मौसम बदलने के साथ ही अस्थमा के मरीजों की समस्या भी बढ़ने लगती है। खासतौर पर बारिश के मौसम में अस्थमा रोगियों को सांस की परेशानी होती है। बरसात के सीजन में नमी होने और सूरज कम निकलने की वजह से धूप की कमी के कारण अस्थमा पेशेंट को परेशानी होती है। कई बार विटामिन डी की कमी होने के कारण दमा का अटैक भी आ सकता है। ऐसे में दमा के रोगियों को बरसात के मौसम में कुछ विशेष सावधानी रखने की जरूरत होती है। कुछ बातों का ध्यान रखने से दमा रोगियों की परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। ठंड ज्यादा होने के कारण सांस लेने में होती है परेशानी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बारिश में अस्थमा की शिकायत बढ़ने के कई कारण हैं, जिसमें से प्रमुख कारण है बरसात में धूप कम निकलना। इस वजह से हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। ये वजह ऐसी है जो अस्थमा का दौरा पड़ने की वजह को ट्रिगर करते हैं। वहीं बरसात का ठंडा वातावरण ऐसे रोगियों के लिए और भी ज्यादा दिक्कत पैदा करता है। कमरे में धूल के पार्टिकल्स ज्यादा होने पर होगी परेशानी। घर की हवा साफ सुथरी होनी चाहिए, खासतौर पर जिस कमरे में अस्थमा का मरीज सोता हो। कई बार कमरे की हवा भी अस्थमा अटैक की संभावनाओं को बढ़ा देती है। हर दूसरे दिन कमरे की डस्टिंग जरूर करें। बारिश में अस्थमा अटैक से बचने के तरीके। बरसात में सीलन वाली जगहों पर ना रहें। घर में रसोई और बाथरूम को हमेशा सूखा रखें। डॉक्टर की सलाह पर ही बारिश में इनहेलर का इस्तेमाल करें। अपने घर के कार्पेट्स, तौलिया और बेडशीट साफ और सूखे रखें। घर में पालतू जानवर अगर हैं तो उनसे दूरी बनाकर रखें। अगर घर में कहीं फंगस लगा है तो उसे तुरंत साफ कर दें। अस्थमा के मरीजों के लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। समय पर अपनी दवाइयों का सेवन जरूर करें।